साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की कक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत छायावाद प्रकरण में कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में। और साथ ही साथ बहुत छोटा सा इन्होंने इनका विवरण दिया है। इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा के विषय में भी जानकारी साथ में प्राप्त करेंगे। और पिछली परीक्षाओं में अभी जो हाल ही में 2019 और 2018 के पेपर हुए, उनमें निराला और महादेवी वर्मा दोनों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो छोटी सी कक्षा होने वाली है, बहुत ही अच्छी सी, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शुक्ल जी कहते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बंगाल की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। ये सभी बातें मैं आपको छायावाद प्रकरण के अंतर्गत विस्तार से व्याख्या कर चुकी हूँ, तो यहाँ पुनः नहीं दोहराऊंगी। आगे शुक्ल जी कहते हैं, हमारे यहाँ अर्थात हिंदी साहित्य में संगीत राग रागनियों में बंधकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते थे। जैसे और सब बातों की, वैसे ही संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई और इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए। सर्वाधिक आकर्षित कौन हुए? निराला। और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आप पंक्तियों को हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, किसने कही है पूछा जाएगा। ये एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग, इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी, यह बात निराला जी ने आप महसूस की है। गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम, यानी कि गीत के शैली में लिखे गए हैं ये जो इनके पद हैं। उदाहरण देते हुए शुक्ल जी कहते हैं, अभरण भर वर्ण गान वन वन उपवन उपवन, जागा कवि खुले प्राण मधुप निकर कलरव भर, गीत मुखर पक पिक प्रिय स्वर, मर्शर हर केसर झर मधुपूरित गंध ज्ञान। जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहाँ पद योजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्राय अशक्त या उदासीन पाई गई है। गीतिका का यह गीत लीजिए, कौन तम के पार अखिल पल के श्रोत जल जग, गगन घन घन धार गंध व्याकुल कूल उर्सर, लहर कचकर कमल मुख पर हर्ष अली हर स्पर्श सर, गूंज बारंबार निशा प्रिय और शयन सुख धन सार या की असार। तो इनका अर्थ थोड़ा सा कठिन हो जाता है जहां भी उन्होंने इस तरीके की पदयोजना की है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें आई हुई अखिल पल के श्रोत जल जग हर्ष अली हर स्पर्श सर निशा प्रिय और शयन सुखदर इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ कवि को स्वयं समझना पड़ा, वह उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाला जान पड़ता है। जैसे हर्ष अली हर स्पर्श सर आनंद रूपी भौरा स्पर्श से चुभा तीर हर रहा है, तीर के निकालने पर भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो सुखद है, तीर रूप का चुभा तीर है। निशा प्रिय और शयन सुख धन, निशा का प्रियतम के उर पर शयन, तो थोड़ी सी ये कठिन पदावली है। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 जून 2019 के पेपर में आपको ये पूछा गया था निराला जी। देखिए इस पेपर में, चलिए पहले देख लेते हैं, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का है और पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद कैचुआ छंद आदि कहने लगे थे, है ना। वे मिल चरणों की विलक्षण आजमाई से इन्होंने सबसे अधिक की है। प्रगल्भ प्रेम कविता में अपनी प्रियसी कल्पना व कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आतू,
प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामनी वह पद तेरा संकीर्ण कंट का कीर्ण ना। तो इन्होंने छंदों को और ये जो अलंकार हैं, छंद हैं, किसी प्रकार के ये जो जिसके अंदर पद को बांध देते हैं, इस प्रकार की किसी भी वस्तु को इन्होंने अपनी काव्य रचना के लिए अनिवार्य नहीं माना। एक लाइन विशेषत पीजीटी की परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में सर्वाधिक है, यह कथन किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा सर्वाधिक किस में है? निराला में है। यानी छायावाद के कवि जैसे हमने पंत को कल पढ़ा, वो प्रकृति के रूप में रम गए, प्रसाद को पढ़ा रहस्यवादता की ओर अधिक चले गए, मतलब सर्वाधिक रहस्यवादी तो महादेवी वर्मा है, लेकिन फिर भी अलग तरीके की काव्य रचना की। लेकिन निराला एक ऐसे कवि हैं जो लीक से हटकर चले, जब मनाया जैसी रचना करी, राम की शक्ति पूजा भी लिखी, तुलसीदास भी लिखा, कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित होकर, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीका का इन्होंने काव्य रचनाएं की। अब आपके 21 दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें चारों छायावादी कवियों से पूछे गए थे कथन, ये तो उसमें लिखा था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, फिर चार कथन दिए थे और पता ना था कि ये कथन कौन सा किसके बारे में कहा है। तो जहाँ प्रकृति की बात आ गई वहाँ तो हम समझ ही जाएंगे कि पंथ से संबंधित है। बाकी जयशंकर प्रसाद का मैं बता चुकी हूँ, निराला का मैं आपको बता रही हूँ। पुराने पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं सभी आज तक के, तो आपने अभी तक नहीं देखे हों तो देख लीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि प्लेलिस्ट एकदम क्रमबद्ध रूप से बनी हुई है, आप वहां जाइए चेक कीजिए, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए देखिए धैर्य बहुत आवश्यक है। सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, सभी तो नहीं करते अच्छी मेहनत, लेकिन काफ़ी लोग तो अच्छी मेहनत करते हैं, उनमें भी अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपने 2004, 2005, 2006, 2007 के पेपर तो कर लिए जोश में और फिर सोचते हो अरे यार अभी पेपर दूर है छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत से विद्यार्थी मेरे चैनल पर ऐसे हैं जिनसे मैंने एक बार कहा कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए। यकीन मानिए उन लोगों ने शुरू से फर्स्ट वीडियो से लेकर उसका अंतिम वीडियो तक वो पुस्तक देखी और प्रत्येक वीडियो में मुझे कमेंट करके बताया कि मैडम आज हमने ये पढ़ा और इसमें से ये सीखा या इसमें से ये निकल कर आया। यकीन मानिए ऐसे विद्यार्थी अपना एक सर्वोच्च स्थान निर्धारित कर लेते हैं बाकी उन विद्यार्थियों से जो इस तरीके से नहीं पढ़ते। सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह ही जाती है कि हम फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो उसी क्रम में आप धैर्यपूर्वक चीज़ों को पढ़ें। यदि पुराने पेपर अभी तक भी नहीं किए हैं तो चैनल पे उपलब्ध हैं, निशुल्क रूप से आपके लिए उपलब्ध हैं, आपको मार्केट में जाके खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि 21 दिसंबर 2018 को पूछा गया था, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये निराला जी के प्रति कहा है शुक्ल ने, विस्मृत को नींद से जगाने वाले पुरातन के मलिन साज खंडर से वे जिज्ञासा करते हैं, क्या तुम ढीले करते हो भवबंधन नारियों के, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण, निर्निमेश नयनों से बाट जोहते हो तुम मृत्यु की, अपनी संतानों में बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए, क्या यह वही देश है कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तब्ध मीनार मौन है मकबरे, भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहाँ आंसुओं में सच्चा प्यार, यमुना को देखकर प्रत्यभिज्ञा का जहाँ उदय हम इस रूप में पाते हैं, मधुकर मलय में यही गूंजी थी एक वह जो तान, कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे कवि ने देखा, जहां एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक की ओर आंख उठाकर तक नहीं देखा। ऐसी जो चीज़ें हैं ये निराला को बहुत अंदर तक, एक व्यक्ति के रूप में भी उन्हें बहुत अंदर तक व्यथित कर देती थी। ऐसी कहानियाँ भी प्रचलित हैं कि एक बार इन्होंने एक भिखारिन को अपना, मतलब जितना भी इनके पास धन था सब दे दिया, बस उसने इन्हें बेटा कहकर संबोधित कर दिया था। बहुत ही भावुक कवि हुए हैं निराला जी। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, देखिए जैसा मैंने आपको भी शुरू में ही बताया कि ये बंधनों में बंध कर कविता करने वाले नहीं हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है।
रहस्यवाद के संबंध रखने वाली निराला जी की रचना आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ है। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार की छायावादी कवियों की। रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता के अनुभूति के रूप में सामने आता है। देखते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे इस वाले उस पे। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब श्रोत सौंदर्य का, वीचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षण में। मंजना वेद मृदु फूटता सागर में, सब कुछ तो था असार, अस्तु वह प्यार। आगे देखते हैं। सब चेतन जो देखता स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय खींचा उसी ने था हृदय यह, जड़ों में चेतन गतिकर्षण मिलता यहाँ। अलग अलग तरीके की रचना, देखिए कितनी संस्कृत निष्ठ पदावली है इनकी। तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है जो अधिकांशतः अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाली ज्ञान की दिव्य प्रेरणा हुई उसका अंतर्वर्ती के आंदोलन के रूप में वर्णन किया गया है। इनकी यह रचना बार बार पूछी जाती है। भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत के जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमय व्यवस्था के निकट होने के आवास का वर्णन निराला जी का उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है आएगा, कुछ इसमें मिसप्रिंट है। इसी प्रकार श्रम जीवियों के कष्टों की सहानुभूति लिए हुए जो लोक हितवाद का आंदोलन चला उस पर भी निराला जी की दृष्टि गई। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली से जड़ी हुई होती है जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा कि पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ही ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो अपने निराला जी क्या है, भावावेश में आकर कविता करते हैं। अब उन्हें जो स्वयं लगता है वो उसको अभिव्यक्त कर देते हैं। देखिए, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, ऐसे व्यक्ति समाज से अनुकूलन नहीं कर पाते। उनके अंदर एक ज्ञान का अथाह सागर होता है ना, कहते हैं ना, ज्ञान का अथाह सागर हिलोरे मार रहा होता है। ये सामाजिक बंधन, ये रूढ़िगत बंधन, ये समाज, ये मतलब ये समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस कविता भी हमने पढ़ी है, वहाँ इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से महसूस किया है। तो वही कुछ जब मैं मुक्तिबोध पढ़ाती हूँ तो मुझे निराला जी का स्मरण हो आता है। हालांकि दोनों की शब्द रचना और वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये अनुभव किया है कि जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसे भी ये संसार स्वीकार नहीं कर पाता और ना वो कभी संसार में रम पाता। अगर सामाजिक जीवन पे उनके जीवन का आप मूल्यांकन करेंगे तो उन्हें आप असफल ही पाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चलिए छोड़ते हैं, इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। निराला जी के विषय में जिस प्रकार प्रसाद और पंत पर विशेषता, जबकि प्रसाद के आनंदवाद से तो थोड़ा सा साम्य नहीं रखते हैं शुक्ल जी, लेकिन पंत का एक विस्तृत वर्णन दिया उनकी सभी कविताओं के साथ, उतना विस्तृत वर्णन निराला जी का शुक्ल ने नहीं किया है। ना इसमें राम की शक्ति पूजा का जिक्र आया, ना ही हिंदी का पहला श्लोक अपनी जो पुत्री की सरोज स्मृति का यहाँ पे जिक्र आया। ऐसे सभी प्रसंगों को शुक्ल जी ने यहाँ छोड़ दिया, तो ये कमी खलती है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ केवल शुक्ल ने क्या कहा है निराला के विषय में ये बताना है, इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। लेकिन जब आप नोट्स बनाएं या कहीं और से पढ़ें तो वो कविताएं भी आप अवश्य ही पढ़ें। कुकुरमुत्ता है, इन सब के बारे में यहाँ पे विवरण नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे जल्दबाजी में शुक्ल जी ने इस पुस्तक को समाप्त करने की जो जल्दबाजी थी, क्योंकि ये इसका अंतिम ही अंश है, उसके कारण इसको अधूरा छोड़ दिया है। पर जो भी है, मैं भी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैंने कहा तो था कि महादेवी वर्मा को इसके अंदर संकलित करूँगी, लेकिन इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। इसके जस्ट बाद ही मैं दूसरा महादेवी वर्मा का वीडियो भी डाल दूँगी, पर इसमें मिक्स नहीं करते, अलग अलग ही उनको पढ़ते हैं। वीडियोज़ को लाइक कीजिए प्लीज़ अधिक से अधिक, क्योंकि आप नोट्स वगैरह या गाइड से तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको इस तरीके की प्रामाणिक सामग्री कम ही उपलब्ध है, और अगर कोई उपलब्ध करवा रहा है तो आप प्लीज़
लाइक करके तो अपने आप मत व्यक्त कर ही सकते हैं। शुरू सुबह मैंने आपसे पूछा भी था कि अब क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे चली गई है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो अथवा आपकी नेट परीक्षा हो और उसके बाद यूपी से भी वैकेंसी आने की संभावना है, तो ये लगभग लगभग परीक्षाओं का समय लगभग सा एक होने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, यदि आप लोग इस पुस्तक को पूरा मेरे साथ पढ़ना चाहें तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं महादेवी वर्मा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।